हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ सूरत की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट साइड डिश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो इजी टू मेक और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इस रेसिपी का नाम है अंडा घोटाला। आई एम श्योर जो एग लवर्स हैं, वो इस रेसिपी के फैन जरूर हो जाएंगे और अपने किचन में इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं एग घोटाला की रेसिपी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर ले और इसमें डाले 3 से 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हमें डालना है चॉप प्याज, जो मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के। लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें डाले चॉप्ड हरी मिर्च, जो मैंने लिया है 4। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर इसमें डालें 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से भून लें। कुछ सेकंड्स भुनने के बाद आपको अदरक लहसुन की महक आने लगेगी। इसका मतलब है अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें डालें 3 मीडियम साइज के चॉप्ड टमाटर। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर टमाटर को अच्छे से पकाएं और डालें 2 टेबलस्पून के करीब बटर। एक से दो मिनट हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इस टाइम डालें सारे मसाले, जिसमें मैंने लिया है स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब मसालों को टमाटर प्याज के साथ मैश करते हुए चलाएं करीब 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। इससे अंडा घोटाला का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है और ये बिल्कुल स्ट्रीट में जो अंडा घोटाला मिलता है वैसा ही टेस्ट करता है, बट बिना पाव भाजी मसाला के भी ये डिलीशियस लगता है। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो इसमें डालेंगे 4 कद्दूकस किए हुए उबले हुए अंडे और आधे से 1 मिनट इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स कर लें। फिर डालें 1/2 कप के करीब चॉप्ड धनिया के पत्ते और अच्छे से मिलाकर फ्लेम बंद कर लें। अब एक हाफ फ्राई बनाने के लिए एक पैन गर्म करें और डालें 1 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। फिर 2 कच्चे अंडे इसमें डालें और साथ में डालें कुछ धनिया के पत्ते और थोड़ा नमक स्प्रिंकल करें। हमें इसे एक साइड से ही सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। अब इस हाफ फ्राई को इसमें डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अंडा घोटाला बनकर तैयार है। इसे आप पाव के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें ये सूरती अंडा घोटाला की डिश। अगर आपको मेरी ये एग घोटाला की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट कर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।